हेलो जी, वेलकम टू द कॉमन एंटरटेनर। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक्स इन मास्टर टीजर ट्रेलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तो टीजर की शुरुआत में ही हमें एक बड़ा सा कॉलेज कैंपस दिखता है जिसके बारे में ही पूरी मूवी है, और उसके आसपास बहुत ही फॉग दिखता है जिससे ये पता चलता है कि मौसम शायद ठंड का है। लेकिन पूरा टीजर देखने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि पूरी वीडियो में किसी ने ठंड के कपड़े तो पहने ही नहीं थे, मतलब ठंड तो थी ही नहीं। नंबर 2, फिर हमें दिखता है कि कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठ के एक जगह को देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे देखने वाली कोई चीज तो होती ही नहीं है, वहाँ पे सुनने वाली चीज होती है यानी कि स्पीकर। लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट स्पीकर को देख रहे होते हैं। पहले मुझे लगा था कि शायद वहाँ पे विजय सर आएंगे मूवी में, लेकिन नहीं, वहाँ पे तो स्पीकर रखा था और शायद उसमें कोई अनाउंसमेंट होगी मूवी में। नंबर 3, उसके बाद विजय सर की एंट्री होती है बिना फेस रिवील के। विजय सर शूज बांध रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि शूज पहले से ही बंधा होता है, विजय सर तो सिर्फ हाथ हिला रहे होते हैं। इसे देखकर थोड़ा बुरा लगा क्योंकि आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ विजय सर। नंबर 4, उसके बाद दिखता है कि विजय सर मेट्रो में शराब पी रहे होते हैं। पहली बात तो शराब मेट्रो स्टेशन के अंदर लेकर ही नहीं जा सकते, और दूसरी बात मेट्रो में नीचे बैठना ही मना है तो शराब पीना तो बहुत दूर की बात है। ऑल्दो ये साउथ इंडियन मूवी है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। नंबर 5, अब मैं जिस सीन के बारे में बात करने वाला हूँ उसको मिस्टेक नहीं कहेंगे, लेकिन उस सीन का कॉन्सेप्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। टीजर में एक सीन में विजय सर गुंडों को मारने जा रहे होते हैं और रास्ते में जलती हुई एक ट्यूबलाइट दिखती है, तो विजय सर पता नहीं क्यों और कैसे उसे बंद कर देते हैं, और उस बंद ट्यूबलाइट को देख के गुंडे डर भी जाते हैं। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आया। तो जी, बस ये थी टॉप 5 मिस्टेक्स इन दिस टीजर ट्रेलर, और अब करते हैं इस टीजर ट्रेलर का रिव्यू। तो टीजर के हिसाब से देखा जाए तो कहानी एक कॉलेज के बारे में है जिसमें विजय सर एक टीचर का किरदार निभा रहे हैं। मूवी में धमाकेदार एक्शन के साथ साथ रोमांस, ड्रामा और बहुत ही कमाल की एक्टिंग देखने को मिल सकती है। ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म के बदले थिएटर में ही रिलीज होगी, और उससे बड़ी बात ये है कि ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 लैंग्वेज में रिलीज होगी। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं साउथ इंडियन मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि वो ओरिजिनल के साथ साथ बहुत ही कमाल की होती है, और साउथ इंडियन मूवी से बड़ा मैं विजय सर का फैन हूं, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मूवी को लेकर। तो जी, बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में। सी यू नेक्स्ट टाइम।